माफ कीजिएगा सर, मैं अपने आप को कभी भी लीडर के तौर पे नहीं, एक टर्म के लिए स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखता हूँ। हो सकता है कि अगली बार कोई और मेरी जगह पे हो। और जो आंदोलन हम लोग लड़ रहे हैं, वो आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी का है, एक कलेक्टिव मूवमेंट है। आज का जो विषय है, जिस तरीके से हमला किया गया है, एक इतिहासकार, एक प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्रा और उनकी किताब के ऊपर, उस संदर्भ में मैं कुछ कुछ बात कहना चाहता हूँ। हालांकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ और इतिहास ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन इस सरकार की नीयत को मैं ठीक से पढ़ पा रहा हूँ, शायद मैं इस बात को ठीक से बोल पाऊँ। पहले ये लोग सीधे सीधे इतिहास पर हमला करते थे, आते ही इतिहास की किताब बदल देते थे। दूसरी बार सरकार में आए हैं तो इनको थोड़ा शासन करने का एक्सपीरियंस हो गया है। अब ये सीधे सीधे रामशरण शर्मा की किताब की होली नहीं जलाते हैं यह बोलकर कि रामशरण शर्मा ने लिखा है कि हिंदू गाय मांस खाते थे। अब आजकल ये क्या करते हैं, जो इनके अपोजिशन हैं, जो इनके विरोधी हैं, उनके आइकन को पकड़ करके, उनके जो आइडियोलॉग हैं उनको पकड़ करके, ये उनके ऊपर पलट करके वार करते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भगत सिंह से इनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि भगत सिंह का नाम लेकर के यदि विपिन चंद्रा का विरोध किया जाए तो खुद प्रगतिशील, डेमोक्रेटिक और लेफ्टिस्ट लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे और हम बहुत आसानी से इतिहास की किताब को बदल पाएंगे और हेडगेवार को भगत सिंह साबित कर पाएंगे। तो बहुत चालाकी से ये काम आजकल कर रहे हैं। आज़ादी का नारा लगाने के चलते मैं जेल भोग कर आया हूँ, हालांकि मैं नारा नहीं लगाया था, जो लोग लगा रहे थे वो आज़ादी का नारा लगा रहे थे। आज सुबह की बात बताता हूँ, एबीवीपी के लोग यहाँ खड़ा होकर के आज़ादी का नारा लगा रहे थे। तो असल बात ये है कि इनके पास कुछ नहीं है, तो ये करते क्या हैं? ये अप्रोप्रिएशन नहीं करते हैं सर, ये इनक्रोचमेंट करते हैं, क्योंकि ये लोग इलीगल लोग हैं। तो इनको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, ये इतिहास का इनक्रोचमेंट कर रहे हैं, ये महापुरुषों का इनक्रोचमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई है नहीं। ये एक ऐसा इतिहास लिखना चाहते हैं जहां ये साबित कर सकें कि हिंदुस्तान के आंदोलन में आरएसएस ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ताकि ये अपनी चापलूसी वाली बात को छिपा सकें, ताकि ये जासूसी जो किया करते थे अंग्रेजों की, इसकी बात को छुपा सकें, ये इस बात को छुपा सकें कि सावरकर ने ब्रिटेन से माफ़ी मांगा था, तब जाकर के उनको जेल से बाहर किया गया था। और माफ़ी मांगने का इतिहास कोई इनका सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में नहीं है, इमरजेंसी के टाइम में भी ये लोग इंदिरा गांधी से माफ़ी मांग करके जेल से छूटे थे, ये नया इतिहास। सवाल ये है कि कितना इतिहास बदलेंगे? इनका इतिहास इतना काला है कि सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास नहीं, आज के इतिहास का क्या करेंगे? कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो मनु स्मृति ईरानी के बारे में लिखा जाएगा कि अपने ही स्टूडेंट्स को इन लोगों ने जेल में डाला था, तब ये इतिहास को क्या करेंगे? इसीलिए इनको इतिहास से ही नफरत है, ये चाहते हैं कि इतिहास लिखा ही ना जाए, ताकि हमारा झूठ ना लिखा जाए। और ऐसा ये क्यों करते हैं? ऐसा ये इसलिए करते हैं, पीछे एक मूर्ति लगी हुई है नेहरू जी की, और वहाँ पे एक स्टोन रखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी स्टैंड्स बिहाइंड ह्यूमनिज्म। एक्चुअली उस लाइन को बदलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वहाँ पे लिखा जाए यूनिवर्सिटी स्टैंड्स बिहाइंड फैसिज्म। इसीलिए इनको इतिहास से दिक्कत है, इनको यूनिवर्सिटी से दिक्कत है, इनको आलोचनात्मक सोच से दिक्कत है, इनको वैज्ञानिकता से दिक्कत है, क्योंकि ये सारी दिक्कत रख करके ही ये जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये सारा दिक्कत ये रख देंगे तब तो भगवा झंडा छोड़ करके हमारे आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। ये विचारधारात्मक लड़ाई है, और इस विचारधारात्मक लड़ाई में मसला सिर्फ विद्यार्थियों का नहीं, मसला सिर्फ शिक्षकों का नहीं, मसला इस देश के अंदर वो तमाम लोग हैं उनके हक और अधिकार का है। पटना जाकर के मैंने कहा कि जिन हिंदुओं को लगता है कि आरएसएस उनके पक्ष में कुछ करेगा वो बहुत भूल में है। मैं एक डेटा देना चाहता हूँ,
उनका ही डेटा है कि इस देश में 70% हिंदू हैं। हमने कहा कि 70% यदि हिंदू हैं तो गरीबी का आंकड़ा यदि निकाला जाए, अगर 40% गरीब हैं तो उस 40% में भी 70% हिंदू होंगे, तो उन गरीबों के लिए अगर ये सरकार कुछ नहीं कर रही है तो ये सरकार हिंदू विरोधी भी है। ये बात मैंने उनको कहा और ये बात लोगों तक पहुंच जाएगी। लोग 15 लाख का हिसाब मांगने लगेंगे, लोग ये पूछने लगेंगे कि आज तक बुलेट ट्रेन चली क्यों नहीं, इनका कोई जवाब नहीं है इनके पास। इसीलिए घूम फिर करके ये क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कभी स्टूडेंट के ऊपर अटैक करेंगे, कभी टीचर के ऊपर अटैक करेंगे, और इस चालाकी से ये काम करेंगे ताकि स्टूडेंट और टीचर जो है आपस में बट जाए। मुझे भी कुछ एप्रिहेंशन था बिपिन चंद्रा को लेकर के, क्योंकि इस कैंपस में एक बात कही सुनाई थी कि बिपिन चंद्रा ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ थे। हालांकि यह बात बोलने के बाद जब मैंने पड़ताल करने की कोशिश की तो कहीं ये बात मुझे मिली नहीं कि बिपिन चंद्रा ने कहाँ लिखा है कि वो ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ है, मुझे कहीं मिला नहीं, बस कहीं सुनी बात थी। तो इस बात पे मुझे दिक्कत थी कि किसी भी एक एडमिशन को ये बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन फिर मुझे एक बात और समझ में आई कि हर एक एडमिशन का, हर इंटेलेक्चुअल का अपना एक दौर होता है और अपने दौर से अपने तरीके से वो रूबरू होते हैं और उसके बारे में वो लिखते हैं। और ये हमारा राइट है कि आपके साथ बैठकर हम आपसे असहमत हो सकें। आप जो कहते हैं उस हर बात को ज़रूरी नहीं है कि हम मान लें, हम कुछ माने कुछ ना माने, लेकिन जहाँ तक डेमोक्रेसी का सवाल है, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है, जहाँ तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है, जहाँ तक सिविल लिबर्टी का सवाल है, हमको लगता है कि वो असहमत होते हुए भी अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है तो हम उसके खिलाफ हों और आपसे सहमति स्थापित करें, ये हमारा प्राइमरी टास्क है। और मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में शब्दों का बहुत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। शब्द की अपनी साइकोलॉजी होती है और उस साइकोलॉजी के बारे में मैं एक बात बता दूं कि नाली के गटर में अगर पानी बह रहा हो तो आप कभी नहीं कहेंगे कि गंदा जल बह रहा है, आप हमेशा कहेंगे कि गंदा पानी बह रहा है। लेकिन गंदा पानी भी यदि गंगा में बह रहा हो तो आप कहेंगे कि गंगा जल बह रहा है। ये जो शब्द की साइकोलॉजी होती है, उस साइकोलॉजी से ये संघी लोग खेलते हैं। और मुझे लगता है इस पूरे मामले में भी इनका जो नफरत है एक खास कम्युनिटी के खिलाफ, उस नफरत को ये ड्रॉ कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। नफरत क्या है, 1990 के बाद जब दुनिया के अंदर न्यूलिबरलिज्म आया, नवउदारवाद आया और यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो अमेरिका के सामने एक चैलेंज था कि एक नकली दुश्मन खड़ा किया जाए, क्योंकि अगर नकली दुश्मन खड़ा नहीं किया जाएगा तो युद्ध किसके खिलाफ लड़ा जाएगा। और हटिंगटन की वो थ्योरी आप सब लोग जानते हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें कहा गया कि क्रिश्चियनिटी का एक दुश्मन बनाना पड़ेगा और दुश्मन बनाया गया इस्लाम का। और इस्लाम के साथ एक दिक्कत ये थी कि जहाँ इस्लाम था वहाँ तेल था और सामरिक शक्ति के लिए तेल बहुत ज़रूरी था, इसीलिए पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया की शुरुआत हुई। और उस इस्लामोफोबिया के चलते ये जो मोदी जी कहते हैं या स्मृति जी कहते हैं या हमारा एबीवीपी कहता है कि भारत में जो रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, ये दरअसल जॉर्ज बुश से सीख करके आए हैं। जॉर्ज बुश भी कहा था कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप आतंकवादियों के साथ हैं। आजकल भी ये लोग कह रहे हैं कि या तो आप लोग देशभक्तों के साथ हैं, स्वघोषित देशभक्त, या देश के खिलाफ हैं। कौन तय करेगा कि देश क्या है और देश के पक्ष में क्या है और देश के विपक्ष में क्या है। जब हम संविधान का नाम लेते हैं तो इनको थोड़ी मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन हम क्या करें, मिर्ची लगती है तो लगती है, संविधान से बेहतर कोई चीज़ हमारे पास है नहीं, इसीलिए हम हमेशा संवैधानिक होने की बात करते हैं। तो इस्लामोफोबिया जब पूरी दुनिया के अंदर फैल रही थी तो जॉर्ज बुश ने कहा था वेस्ट वर्सेज इस्लाम, पहले बोला यूएसए वर्सेज इस्लाम, फिर बोला वेस्ट वर्सेज इस्लाम, फिर बोला वेस्ट वर्सेज इस्लाम। और ओबामा का जो प्रकरण हुआ, मतलब ओसामा का जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण की सच्चाई आप सब लोग जानते हैं। आज तक नहीं पता लग पाया
कि एक प्लेन क्रैश होने के चलते उतनी बड़ी बिल्डिंग गिर क्यों गई। एक रिपोर्ट आया था, डॉक्यूमेंट्री भी मैंने यूट्यूब पे देखा, कि सिर्फ प्लेन क्रैश होने से उतनी बड़ी बिल्डिंग गिर नहीं सकती, वो बिल्डिंग गिरी नहीं, गिराई गई है। पहले उसको खड़ा किया गया यूएसएसआर के खिलाफ, फिर उसको मारा गया पूरी दुनिया को यूनाइट करने के लिए। ये इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं धर्म का, जाति का, लोगों का और विचारधारा का, और आजकल ये इस्तेमाल करना चाहते हैं भगत सिंह का। लेकिन इनको हम बता दें कि भगत सिंह को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो भगत सिंह को अपनाओगे कैसे, क्योंकि उन्होंने लिखा है मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो किसी नास्तिक को अपना आइकन कैसे बना पाओगे, अगर बनाओगे तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे, ये इनकी दिक्कत है। इसीलिए ये भगत सिंह से प्रेम नहीं दिखा रहे हैं, भगत सिंह को जो मानने वाले लोग हैं ये उनके खिलाफ अपनी नफरत दिखा रहे हैं, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, जो यूनिटी की बात बार बार की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि ब्रेक्ट ने कहा था कि कभी आपका नंबर भी आ सकता है। आज विपिन चंद्रा निशाने पे हैं, कल को आप निशाने पे होंगे। इसीलिए डिफरेंसेस रखते हुए, असहमति रखते हुए, इस बात पे सहमत होइए कि अगर इस तरीके के हस्तक्षेप को रोका नहीं गया यूनिवर्सिटी के अंदर, मंत्री जी, आज मैं एक चुटकुला सुन रहा था रेडियो मिर्ची पे, उसमें पूछा कि दिल्ली का तापमान कितना है, वो बोला 40 डिग्री, बोला शुक्र कीजिए 41 डिग्री नहीं है, अगर मंत्री जी के पास एक और डिग्री होती तो 41 डिग्री होती। तो मंत्री जी के पास खुद डिग्री नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं, प्रबुद्ध शिक्षकों को जो बेचारे पढ़ पढ़ करके अपना आँख खराब कर लिए लाइब्रेरी में, उनके बारे में डिग्री बांट रही है कि ये लोग इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं। कितना अच्छा शब्द दिया है इन्होंने, टेररिज्म से इनको बहुत प्रेम है, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति टेररिज्म के इर्द गिर्द ही घूमती है, जॉर्ज बुश से ये ज्ञान लेकर के आए हैं। तो टेररिज्म शब्द को दरअसल ये महत शब्द नहीं है, एक खास कम्युनिटी के खिलाफ एक नफरत है, और वो साइकोलॉजी इसके पीछे काम करती है। आप ही बताइए, सच बताइएगा, यहां मत बताइए, घर पे जाकर के सोचिएगा रूम में, कि जब बोलता है कोई टेररिस्ट तो क्या चेहरा निकलता है आपके सामने। कभी प्रज्ञा ठाकुर का चेहरा आता है आपके दिमाग में? नहीं, कभी नहीं आएगा। कर्नल पुरोहित का चेहरा कभी नहीं आएगा आपके दिमाग में। क्या आता है आपके दिमाग में? एक दाढ़ी बढ़ाया हुआ लड़का जो कि जालीदार टोपी पहना हुआ है, उसका चेहरा इमर्ज करेगा। हो सकता है कि ओसामा का चेहरा आपकी नजर में आ जाए, कसाब का चेहरा आपके नजर में आ जाए। इस तरीके से फैसिज्म आपकी साइकोलॉजी से खेलता है, और सच्चाई क्या है ये देख लीजिए, पूरे देश के अंदर तमाम बम ब्लास्ट के केस में इनोसेंट मुस्लिम यूथ को फंसाया गया, और 14 साल 15 साल के बाद वो रिहा होकर के वापस आया। अभी कुछ दिन पहले तमाम केसेस में बहुत सारे लोग निकले हैं, और इनके लोग जहां फंसते हैं वहां फाइल गायब हो जाती है। मालेगांव बम ब्लास्ट के फाइल को पांव लग गया है, वो अचानक से गायब हो गई है। कुछ फाइल इनके सरकार में आते ही गायब हो जाती है, और कुछ फाइल को ये लोग जला देते हैं। आपको मालूम होगा कि जब ये नई सरकार आई तो बहुत सारे फाइल को ये कह करके जला दिया गया कि ये लोग बेकार, ये बेकार फाइल है, इसको रखने में दिक्कत हो रही है। अरे डिजिटल इंडिया, तुम उसको स्कैन करके एक छोटे से पेन ड्राइव में रख सकते हो, फिर तुम कहते हो कि रखने में दिक्कत हो रही है। असल बात ये है कि तुम चाहते नहीं हो वो फाइल रहे, क्योंकि उस फाइल में आरएसएस की सच्चाई है। इनको बड़ा प्रेम उमर रहा है सुभाष चंद्र बोस से। आजकल सुभाष चंद्र बोस को बहुत प्रेम से ये नाम ले रहे हैं। तो हम कहते हैं कि अपनी पार्टी बंद करो, और सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, तो सब संगी जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक ज्वाइन करो, तब हम समझेंगे कि तुमको सुभाष चंद्र बोस से प्रेम है। और एक और सच्चाई जान लो कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक जानते हो किसके खिलाफ चुनाव लड़ती है? बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती है सीपीएम और सीपीआई के साथ मिलकर के, ये सच भी जान लो। एक सच तुमको और बता देते हैं इस देश का, जितने भगत सिंह के साथी थे जो बच गए, जिसको अंग्रेज मार नहीं पाए, जिनके खिलाफ फणीश्वर घोष जैसा कोई गवाह नहीं मिल पाया,
वो सब लोग बाद में कम्युनिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन किए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हुए, जो हमारे अजय घोष हैं, वो भगत सिंह के बहुत अच्छे मित्र थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे। तमाम लोग, बटुकेश्वर दत्त, मैं इस बार गया था पटना, उनके ऊपर माल्यार्पण करके आया हूँ, वो बिहार विधान परिषद के मेंबर थे बटुकेश्वर दत्त, ये सब लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते थे। अगर तुमको भरोसा है भगत सिंह के ऊपर तो डेमोक्रेसी में विश्वास करो और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो फंडामेंटल राइट है लोगों का, उस पर हमला करना बंद करो। ये तय करेगी यूनिवर्सिटी की क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मनुस्मृति ईरानी तय नहीं करेंगी, क्योंकि वो तय करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ये स्टूडेंट टीचर तय करेंगे कि उनको क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है और क्या शब्द होना चाहिए और क्या शब्द नहीं होना चाहिए, और समय के साथ शब्द का कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ टेररिस्ट बट को, लेकिन मुझे लगता है कि उस दौरान जिस टेररिज्म का साइकोलॉजी आपके दिमाग में अभी काम करता है, उस वक्त नहीं करता था, क्योंकि ये टेररिज्म 1990 से पहले पूरी दुनिया में नहीं थी, जिस टेररिज्म को लेकर के आज इतना बड़ा पॉलिटिक्स हमारे सामने खड़ा किया जा रहा है। इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में नहीं थी, जिसको लेकर के आतंकवाद को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं एक छोटा सा अनुभव आपसे शेयर कर देता हूँ। हमारे यहाँ एक बड़े लीडर हुए थे, उनके नाम पर लेख प्रतियोगिता होता था, तो लेख प्रतियोगिता का टॉपिक डिसाइड करने के लिए दो टीचर को बुलाया गया, एक बीजेपी समर्थक, दूसरे लेफ्ट समर्थक। तो लेफ्ट समर्थक ने कहा कि टॉपिक ये होना चाहिए, गरीबी की समस्या और निदान, और बीजेपी समर्थक ने कहा आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती, और दोनों में बहस हो गई, और मैं वहीं बैठा हुआ था, मैं वो बहस सुना था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद भी क्यों है, क्योंकि गरीबी है, इसलिए गरीबी पे बहस होना जरूरी है, गरीबी पे लेख लिखवाना जरूरी है, गरीबी के ऊपर स्टूडेंट रिसर्च कर सकें ये जरूरी है। लेकिन वो जो बीजेपी समर्थक बोले, नहीं, आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है, इसमें बहुत लोगों की जान चली जाती है। डेटा निकाले हो कि कुपोषण से कितने लोग मर जाते हैं, कुपोषण से इस देश में कितने लोगों की जान जाती है, कितने किसान आत्महत्या कर लेते हैं, इसका डेटा है यहाँ के लोगों को? नहीं, क्योंकि ये मुद्दा नहीं है इनके लिए। इस देश में जितना प्रचार एड्स के अवेयरनेस के लिए किया गया, उतना प्रचार अगर गरीबी के अवेयरनेस के लिए किया जाता तो शायद गरीबी दूर हो गई होती, और राजनीति का मुद्दा गरीबी बना होता, और जब मुद्दा बन जाता तो आज लोग सरकार से पूछ रहे होते कि हमारी गरीबी क्यों नहीं दूर हुई। हमारी राजनीति की समस्या ये है कि जो सामाजिक आंदोलन है, जो समाज की समस्याएं हैं, वो कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता, वो कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनता, और जो चुनावी मुद्दा होता है उस पर कभी सामाजिक आंदोलन खड़ा नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस बार जो सरकार बनी है वो विकास के नाम पे बनी है, विकास को मुद्दा बनाइए, ये रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के नाम पे जो हमारा जो अटेंशन है उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है, उससे नहीं भटकिए। बार बार मोदी जी का सूट पकड़ करके पूछिए कि विकास कहाँ है, वो तय कर लेंगे, वो जो लेखक हैं वो तय कर लेंगे कि वो क्या करेंगे। अरे डिलीट करने में क्या है, एक बटन दबाएंगे डिलीट हो जाएगा, रेवोल्यूशनरी रहेगा टेररिस्ट वर्ड हट जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि विकास बटन दबाने से नहीं आता है। विकास के लिए आर्थिक नीति बनानी पड़ती है, इसको मुद्दा बनाइए, और कैंपस के अंदर अगर कोई आंदोलन होना चाहिए तो इस सवाल पे नहीं होना चाहिए कि भगत सिंह को क्या कहा गया, इस सवाल पे यह होना चाहिए कि भगत सिंह ने समाज के लिए क्या कहा है। और हमको लगता है कि भगत सिंह ने समाज के लिए कहा है कि जब तक मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण होता रहेगा तब तक समाज में समानता नहीं आएगी, और हमको ये शोषण खत्म करना है और समाज में समानता स्थापित करनी है। इसीलिए आप हमारा ध्यान भटकाना बंद कीजिए। हम लोग भी कह देंगे, हमारे ही टीचर हैं, रिक्वेस्ट कर लेंगे कि सर ऐसा कीजिए, ये टेररिज्म वर्ड डिलीट कर दीजिए और रेवोल्यूशनरी रहने दीजिए, ताकि इनका मुद्दा इनके पास नहीं रहे और हम अपने मुद्दे पे लड़ाई लड़ सकें। यही सवाल है। और कुल मिलाकर के एक बात हम लोग कह सकते हैं कि यह जो ध्यान भटकाने की राजनीति है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं, ध्यान भटकाओ प्रस्ताव जो बार बार हमारी ईरानी जी लेकर के आती हैं, इस प्रस्ताव को खारिज कीजिए और शिक्षा और रोजगार के सवाल पे यूनाइट होइए। यही असली मुद्दा है, यही असली लड़ाई है, और इस लड़ाई को अगर हम यूनाइटेडली लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। और तमाम वो जो महापुरुष, चाहे वो भगत सिंह हो, गांधी हो, अम्बेडकर हो, नेहरू हो, चाहे पीसी जोशी हो, इन लोगों को अगर एक साथ लेकर के हम चल सकते हैं, अगर हम चल सकते हैं सावित्री और पेरियार के रास्ते पर, अशफाक उल्ला खां के रास्ते पर,
इस देश के अंदर हम समतामूलक समाज स्थापित कर सकते हैं और संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बात की गई है उसको हम वास्तविकता में लागू कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए शुक्रिया करते हैं। शब्दों का बहुत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। शब्द की अपनी साइकोलॉजी होती है और उस साइकोलॉजी के बारे में मैं एक बात बता दूं कि नाली के गटर में अगर पानी बह रहा हो तो आप कभी नहीं कहेंगे कि गंदा जल बह रहा है, आप हमेशा कहेंगे कि गंदा पानी बह रहा है। लेकिन गंदा पानी भी यदि गंगा में बह रहा हो तो आप कहेंगे कि गंगा जल बह रहा है। ये जो शब्द की साइकोलॉजी होती है उस साइकोलॉजी से ये संघी लोग खेलते हैं और मुझे लगता है इस पूरे मामले में भी इनका जो नफरत है एक खास कम्युनिटी के खिलाफ उस नफरत को ये ड्रॉ कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। नफरत क्या है? 1990 के बाद जब दुनिया के अंदर न्यू लिबरलिज्म आया, नवउदारवाद आया और यूएसएसआर का विघटन हो गया तो अमेरिका के सामने एक चैलेंज था कि एक नकली दुश्मन खड़ा किया जाए, क्योंकि अगर नकली दुश्मन खड़ा नहीं किया जाएगा तो युद्ध किसके खिलाफ लड़ा जाएगा। और हटिंगटन की वो थ्योरी आप सब लोग जानते हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें कहा गया कि क्रिश्चियनिटी का एक दुश्मन बनाना पड़ेगा और दुश्मन बनाया गया इस्लाम का। और इस्लाम के साथ एक दिक्कत ये थी कि जहाँ इस्लाम था वहाँ तेल था और सामरिक शक्ति के लिए तेल बहुत ज़रूरी था, इसीलिए पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया की शुरुआत हुई। और उस इस्लामोफोबिया के चलते ये जो मोदी जी कहते हैं या स्मृति जी कहते हैं या हमारा एबीवीपी कहता है कि भारत में जो रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, ये दरअसल जॉर्ज बुश से सीख करके आए हैं। जॉर्ज बुश भी कहा था कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप आतंकवादियों के साथ हैं। आजकल भी ये लोग कह रहे हैं कि या तो आप लोग देशभक्तों के साथ हैं, स्वघोषित देशभक्त, या देश के खिलाफ हैं। कौन तय करेगा कि देश क्या है और देश के पक्ष में क्या है और देश के विपक्ष में क्या है? जब हम संविधान का नाम लेते हैं तो इनको थोड़ी मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन हम क्या करें, मिर्ची लगती है तो लगती है। संविधान से बेहतर कोई चीज़ हमारे पास है नहीं, इसीलिए हम हमेशा संवैधानिक होने की बात करते हैं। तो इस्लामोफोबिया जब पूरी दुनिया के अंदर फैल रही थी तो जॉर्ज बुश ने कहा था वेस्ट वर्सेज इस्लाम, पहले बोला यूएसए वर्सेज इस्लाम, फिर बोला वेस्ट वर्सेज इस्लाम, फिर बोला वेस्ट वर्सेज इस्लाम। और ओबामा का जो प्रकरण हुआ, मतलब ओबामा का नहीं, ओसामा का, माफ़ कीजिएगा, ओसामा का जो प्रकरण हुआ उस प्रकरण की सच्चाई आप सब लोग जानते हैं। आज तक नहीं पता लग पाया कि एक प्लेन क्रैश होने के चलते उतनी बड़ी बिल्डिंग गिर क्यों गई। एक रिपोर्ट आया था, डॉक्यूमेंट्री भी मैंने यूट्यूब पे देखा कि सिर्फ प्लेन क्रैश होने से उतनी बड़ी बिल्डिंग गिर नहीं सकती, वो बिल्डिंग गिरी नहीं, गिराई गई है। पहले उसको खड़ा किया गया यूएसएसआर के खिलाफ, फिर उसको मारा गया पूरी दुनिया को यूनाइट करने के लिए। ये इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं धर्म का, जाति का, लोगों का और विचारधारा का। और आजकल ये इस्तेमाल करना चाहते हैं भगत सिंह का, लेकिन इनको हम बता दें कि भगत सिंह को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो भगत सिंह को अपनाओगे कैसे, क्योंकि उन्होंने लिखा है मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो किसी नास्तिक को अपना आइकन के माफ़ कीजिएगा सर, मैं अपने आप को कभी भी लीडर के तौर पे नहीं, एक टर्म के लिए स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखता हूँ। हो सकता है कि अगली बार कोई और मेरी जगह पे हो। और जो आंदोलन हम लोग लड़ रहे हैं वो आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी का है, एक कलेक्टिव मूवमेंट है। आज का जो विषय है, जिस तरीके से हमला किया गया है, एक इतिहासकार, एक प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्रा और उनकी किताब के ऊपर, उस संदर्भ में मैं कुछ कुछ बात कहना चाहता हूँ। हालांकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ और इतिहास ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन इस सरकार की नीयत को मैं ठीक से पढ़ पा रहा हूँ, शायद मैं इस बात को ठीक से बोल पाऊँ। पहले ये लोग सीधे सीधे इतिहास पर हमला करते थे, आते ही इतिहास की किताब बदल देते थे। दूसरी बार सरकार में आए हैं तो इनको थोड़ा सा शासन करने का एक्सपीरियंस हो गया है, अब ये सीधे सीधे
रामशरण शर्मा की किताब की होली नहीं जलाते हैं, यह बोलकर कि रामशरण शर्मा ने लिखा है कि हिंदू गाय मांस खाते थे। अब आजकल ये क्या करते हैं, जो इनके अपोजिशन हैं, जो इनके विरोधी हैं, उनके आइकन को पकड़ करके, उनके जो आइडियोलॉग हैं उनको पकड़ करके ये उनके ऊपर पलट करके वार करते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भगत सिंह से इनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि भगत सिंह का नाम लेकर के यदि बिपिन चंद्रा का विरोध किया जाए तो खुद प्रगतिशील डेमोक्रेटिक और लेफ्टिस्ट लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे और हम बहुत आसानी से इतिहास की किताब को बदल पाएंगे और हेडगेवार को भगत सिंह साबित कर पाएंगे। तो बहुत चालाकी से ये काम आजकल कर रहे हैं। आज़ादी का नारा लगाने के चलते मैं जेल भोग कर आया हूँ, हालांकि मैं नारा नहीं लगाया था, जो लोग लगा रहे थे वो आज़ादी का नारा लगा रहे थे। आज सुबह की बात बताता हूँ, एबीवीपी के लोग यहाँ खड़ा होकर के आज़ादी का नारा लगा रहे थे। तो असल बात यह है कि इनके पास कुछ नहीं है, तो ये करते क्या हैं, ये अप्रोप्रिएशन नहीं करते हैं सर, ये इनक्रोचमेंट करते हैं, क्योंकि ये लोग इलीगल लोग हैं। तो इनको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, ये इतिहास का इनक्रोचमेंट कर रहे हैं, ये महापुरुषों का इनक्रोचमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई है नहीं। ये एक ऐसा इतिहास लिखना चाहते हैं जहां ये साबित कर सकें कि हिंदुस्तान के आंदोलन में आरएसएस ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ताकि ये अपनी चापलूसी वाली बात को छिपा सकें, ताकि ये जासूसी जो किया करते थे अंग्रेजों की, इसकी बात को छुपा सकें, ये इस बात को छुपा सकें कि सावरकर ने ब्रिटेन से माफ़ी मांगा था तब जाकर के उनको जेल से बाहर किया गया था। और माफ़ी मांगने का इतिहास कोई इनका सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में नहीं है, इमरजेंसी के टाइम में भी ये लोग इंदिरा गांधी से माफ़ी मांग करके जेल से छूटे थे, ये नया इतिहास। सवाल ये है कि कितना इतिहास बदलेंगे, इनका इतिहास इतना काला है कि सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास नहीं, आज के इतिहास का क्या करेंगे। कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो मनु स्मृति ईरानी के बारे में लिखा जाएगा कि अपने ही स्टूडेंट्स को इन लोगों ने जेल में डाला था, तब ये इतिहास को क्या करेंगे। इसीलिए इनको इतिहास से ही नफरत है, ये चाहते हैं कि इतिहास लिखा ही ना जाए, ताकि हमारा झूठ ना लिखा जाए। और ऐसा ये क्यों करते हैं, ऐसा ये इसलिए करते हैं, पीछे एक मूर्ति लगी हुई है नेहरू जी की और वहाँ पे एक स्टोन रखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी स्टैंड्स बिहाइंड ह्यूमनिज्म। एक्चुअली उस लाइन को बदलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वहाँ पे लिखा जाए यूनिवर्सिटी स्टैंड्स बिहाइंड फैसिज्म। इसीलिए इनको इतिहास से दिक्कत है, इनको यूनिवर्सिटी से दिक्कत है, इनको आलोचनात्मक सोच से दिक्कत है, इनको वैज्ञानिकता से दिक्कत है, क्योंकि ये सारी दिक्कत रख करके ही ये जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये सारा दिक्कत ये रख देंगे तब तो भगवा झंडा छोड़ करके हमारे आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। ये विचारधारात्मक लड़ाई है और इस विचारधारात्मक लड़ाई में मसला सिर्फ विद्यार्थियों का नहीं, मसला सिर्फ शिक्षकों का नहीं, मसला इस देश के अंदर वो तमाम लोग हैं उनके हक और अधिकार का है। पटना जाकर के मैंने कहा कि जिन हिंदुओं को लगता है कि आरएसएस उनके पक्ष में कुछ करेगा वो बहुत भूल में है। मैं एक डेटा देना चाहता हूँ, उनका ही डेटा है कि इस देश में 70% हिंदू हैं। हमने कहा कि 70% यदि हिंदू हैं तो गरीबी का आंकड़ा यदि निकाला जाए, अगर 40% गरीब हैं तो उस 40% में भी 70% हिंदू होंगे। तो उन गरीबों के लिए अगर ये सरकार कुछ नहीं कर रही है तो ये सरकार हिंदू विरोधी भी है, ये बात मैंने उनको कहा। और ये बात लोगों तक पहुंच जाएगी, लोग 15 लाख का हिसाब मांगने लगेंगे, लोग ये पूछने लगेंगे कि आज तक बुलेट ट्रेन चली क्यों नहीं, इनका कोई जवाब नहीं है इनके पास। इसीलिए घूम फिर करके ये क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कभी स्टूडेंट के ऊपर अटैक करेंगे, कभी टीचर के ऊपर अटैक करेंगे, और इस चालाकी से ये काम करेंगे ताकि स्टूडेंट और टीचर जो है आपस में बट जाए। मुझे भी कुछ एप्रिहेंशन था बिपिन चंद्रा को लेकर के, क्योंकि इस कैंपस में एक बात कही सुनाई थी कि बिपिन चंद्रा ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ थे। हालांकि यह बात बोलने के बाद जब मैंने पड़ताल करने की कोशिश की तो कहीं ये बात मुझे मिली नहीं,
कि विपिन चंद्रा ने कहां लिखा है कि वो ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ है, मुझे कहीं मिला नहीं, बस कहीं सुनी बात थी। तो इस बात पे मुझे दिक्कत थी कि किसी भी एक एडमिशन को ये बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन फिर मुझे एक बात और समझ में आई कि हर एक एडमिशन का, हर इंटेलेक्चुअल का अपना एक दौर होता है, और अपने दौर से, अपने तरीके से वो रूबरू होते हैं और उसके बारे में वो लिखते हैं। और ये हमारा राइट है कि आपके साथ बैठकर हम आपसे असहमत हो सकें। आप जो कहते हैं उस हर बात को ज़रूरी नहीं है कि हम मान लें, हम कुछ माने कुछ ना माने, लेकिन जहाँ तक डेमोक्रेसी का सवाल है, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है, जहाँ तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है, जहाँ तक सिविल लिबर्टी का सवाल है, हमको लगता है कि वो असहमत होते हुए भी अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है तो हम उसके खिलाफ हों और आपसे सहमति स्थापित करें, ये हमारा प्राइमरी टास्क है। और मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में सर बोस को बहुत प्रेम से ये नाम ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि अपनी पार्टी बंद करो, और सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, तो सब संगी जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक ज्वाइन करो, तब हम समझेंगे कि तुमको सुभाष चंद्र बोस से प्रेम है। और एक और सच्चाई जान लो कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक जानते हो किसके खिलाफ चुनाव लड़ती है, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती है सीपीएम और सीपीआई के साथ मिलकर के, ये सच भी जान लो। एक सच तुमको और बता देते हैं, इस देश का जितने भगत सिंह के साथी थे जो बच गए, जिसको अंग्रेज मार नहीं पाए, जिनके खिलाफ फणीश्वर घोष जैसा कोई गवाह नहीं मिल पाया, वो सब लोग बाद में कम्युनिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन किए, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हुए जो हमारे अजय घोष हैं, वो भगत सिंह के बहुत अच्छे मित्र थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे। तमाम लोग, बटुकेश्वर दत्त, मैं इस बार गया था पटना, उनके ऊपर माल्यार्पण करके आया हूँ, वो बिहार विधान परिषद के मेंबर थे बटुकेश्वर दत्त, ये सब लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते थे। अगर तुमको भरोसा है भगत सिंह के ऊपर तो डेमोक्रेसी में विश्वास करो, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो फंडामेंटल राइट है लोगों का, उस पर हमला करना बंद करो। ये तय करेगी यूनिवर्सिटी की क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मनु स्मृति ईरानी तय नहीं करेंगी, क्योंकि वो तय करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ये स्टूडेंट टीचर तय करेंगे कि उनको क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है, और क्या शब्द होना चाहिए और क्या शब्द नहीं होना चाहिए, और समय के साथ शब्द का कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ टेररिस्ट बट को, लेकिन मुझे लगता है कि उस दौरान जिस टेररिज्म का साइकोलॉजी आपके दिमाग में अभी काम करता है, उस वक्त नहीं करता था, क्योंकि ये टेररिज्म 1990 से पहले पूरी दुनिया में नहीं थी, जिस टेररिज्म को लेकर के आज इतना बड़ा पॉलिटिक्स हमारे सामने खड़ा किया जा रहा है। इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में नहीं थी, जिसको लेकर के आतंकवाद को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं एक छोटा सा अनुभव आपसे शेयर कर देता हूँ। हमारे यहाँ एक बड़े लीडर हुए थे, उनके नाम पर लेख प्रतियोगिता होता था, तो लेख प्रतियोगिता का टॉपिक डिसाइड करने के लिए दो टीचर को बुलाया गया, एक बीजेपी समर्थक, दूसरे लेफ्ट समर्थक। तो लेफ्ट समर्थक ने कहा कि टॉपिक ये होना चाहिए गरीबी की समस्या और निदान, और बीजेपी समर्थक ने कहा आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती, और दोनों में बहस हो गई, और मैं वहीं बैठा हुआ था, मैं वो बहस सुना था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद भी क्यों है, क्योंकि गरीबी है, इसलिए गरीबी पे बहस होना जरूरी है, गरीबी पे लेख लिखवाना जरूरी है, गरीबी के ऊपर स्टूडेंट रिसर्च कर सकें ये जरूरी है। लेकिन वो जो बीजेपी समर्थक बोले, नहीं, आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है, इसमें बहुत लोगों की जान चली जाती है। डेटा निकाले हो कि कुपोषण से कितने लोग मर जाते हैं, कुपोषण से इस देश में कितने लोगों की जान जाती है, कितने किसान आत्महत्या कर लेते हैं, इसका डेटा है यहाँ के लोगों को? नहीं, क्योंकि ये मुद्दा नहीं है इनके लिए। इस देश में जितना प्रचार एड्स के अवेयरनेस के लिए किया गया, उतना प्रचार अगर गरीबी के अवेयरनेस के लिए किया जाता तो शायद गरीबी दूर हो गई होती, और राजनीति का मुद्दा गरीबी बना होता, और जब मुद्दा बन जाता तो आज लोग सरकार से पूछ रहे होते कि हमारी गरीबी क्यों नहीं दूर हुई। हमारी राजनीति की समस्या ये है कि जो सामाजिक आंदोलन है, जो समाज की समस्याएं हैं, वो कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता, वो कभी चुन से बना पाओगे? अगर बनाओगे तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे, ये इनकी दिक्कत है। इसीलिए ये भगत सिंह से प्रेम नहीं दिखा रहे हैं, भगत सिंह को जो मानने वाले लोग हैं ये उनके खिलाफ अपनी नफरत दिखा रहे हैं, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, जो यूनिटी की बात बार बार की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि ब्रेक्ट ने कहा था
कि कभी आपका नंबर भी आ सकता है। आज विपिन चंद्रा निशाने पे हैं, कल को आप निशाने पे होंगे। इसीलिए डिफरेंसेस रखते हुए, असहमति रखते हुए, इस बात पे सहमत होइए कि अगर इस तरीके के हस्तक्षेप को रोका नहीं गया यूनिवर्सिटी के अंदर, मंत्री जी, आज मैं एक चुटकुला सुन रहा था रेडियो मिर्ची पे, उसमें पूछा कि दिल्ली का तापमान कितना है, वो बोला 40 डिग्री, बोला शुक्र कीजिए 41 डिग्री नहीं है, अगर मंत्री जी के पास एक और डिग्री होती तो 41 डिग्री होती। तो मंत्री जी के पास खुद डिग्री नहीं है और वो क्या कर रहे हैं, प्रबुद्ध शिक्षकों को जो बेचारे पढ़ पढ़ करके अपना आंख खराब कर लिए लाइब्रेरी में, उनके बारे में डिग्री बांट रही है कि ये लोग इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं। कितना अच्छा शब्द दिया है इन्होंने, टेररिज्म से इनको बहुत प्रेम है क्योंकि इनकी पूरी राजनीति टेररिज्म के इर्द गिर्द ही घूमती है, जॉर्ज बुश से ये ज्ञान लेकर के आए हैं। तो टेररिज्म शब्द को दरअसल ये महत शब्द नहीं है, एक खास कम्युनिटी के खिलाफ एक नफरत है और वो साइकोलॉजी इसके पीछे काम करती है। आप ही बताइए, सच बताइएगा, यहां मत बताइए, घर पे जाकर के सोचिएगा रूम में, कि जब बोलता है कोई टेररिस्ट तो क्या चेहरा निकलता है आपके सामने? कभी प्रज्ञा ठाकुर का चेहरा आता है आपके दिमाग में? नहीं, कभी नहीं आएगा। कर्नल पुरोहित का चेहरा कभी नहीं आएगा आपके दिमाग में। क्या आता है आपके दिमाग में? एक दाढ़ी बढ़ाया हुआ लड़का जो कि जालीदार टोपी पहना हुआ है, उसका चेहरा इमर्ज करेगा। हो सकता है कि ओसामा का चेहरा आपकी नजर में आ जाए, कसाब का चेहरा आपके नजर में आ जाए। इस तरीके से फैसिज्म आपकी साइकोलॉजी से खेलता है। और सच्चाई क्या है ये देख लीजिए, पूरे देश के अंदर तमाम बम ब्लास्ट के केस में इनोसेंट मुस्लिम यूथ को फंसाया गया और 14 साल 15 साल के बाद वो रिहा होकर के वापस आया। अभी कुछ दिन पहले तमाम केसेस में बहुत सारे लोग निकले हैं और इनके लोग जहां फंसते हैं वहां फाइल गायब हो जाती है। मालेगांव बम ब्लास्ट के फाइल को पांव लग गया है, वो अचानक से गायब हो गई है। कुछ फाइल इनके सरकार में आते ही गायब हो जाती है और कुछ फाइल को ये लोग जला देते हैं। आपको मालूम होगा कि जब ये नई सरकार आई तो बहुत सारे फाइल को ये कह करके जला दिया गया कि ये लोग बेकार, ये बेकार फाइल है, इसको रखने में दिक्कत हो रही है। अरे डिजिटल इंडिया, तुम उसको स्कैन करके एक छोटे से पेन ड्राइव में रख सकते हो, फिर तुम कहते हो कि रखने में दिक्कत हो रही है। असल बात ये है कि तुम चाहते नहीं हो वो फाइल रहे, क्योंकि उस फाइल में आरएसएस की सच्चाई है। इनको बड़ा प्रेम उमर रहा है सुभाष चंद्र बोस से आजकल। सुभाष चंद्र